Hi everyone. My name is Nikita, and I welcome you all to today's session. Um, CLAT के form fill करते time, I'm pretty sure हमने ऐसी बहुत सारी categories देखी होगी. For example, NRI category या NRI sponsored category. NRI stands for non-resident Indian. ठीक है? तो इस type की categories हमने देखी थी वहाँ पर. अच्छा. कुछ time पहले as in like probably फाइव to टेन days uh, पहले हमने ये भी देखा था कि

उनके लिए इंडिविजुअल अलग से ही एक नोटिफिकेशन की वेबसाइट पर रिलीज करते हैं ठीक है तो उनका प्रोसेस अलग होता है so विजिट करना होता है और उनके जो भी नोटिफिकेशन होते है, उसे कर, हैं उस हिसाब से आपको चलना पड़ता है ठीक है अच्छा हमें यह भी पता है कि नॉट ऑल द एनएल प्रोवाइड सीट अंडर दीज कैटेगरी बट देर आर लॉट ऑफ एनएल लाइक वी हैव

लेट्स गेट आपका ये नोटिफिकेशन आया है दिस इज रिगार्डिंग इन्वाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर सीकिंग एडमिशन अंडर द नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई कैटेगरी और एनआरआई स्पॉन्सर्ड फॉर यूजी पीजी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 ठीक है अच्छा, इसके अंदर क्या क्या है काम की चीजें पहली बात ये नोटिफिकेशन उन्हीं लोगों के लिए है है, है? जिन्होंने दिया हुआ ठीक कैटेगरी फॉर यूजी और पीजी प्रोग्राम सब्जेक्ट टू सैटिस्फाइंग एलिजिबिलिटी कंडीशन कैन अप्लाई डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी मतलब ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने क्लैट का एग्जाम दिया हुआ है एंड दे आर सीकिंग सीट्स फॉर यूजी या फिर पीजी प्रोग्राम के लिए अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए ठीक है अच्छा उन्हें करना क्या है उन्हें अगर वो एलिजिबल हैं अगर वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं देन इन दैट केस दे कैन डायरेक्टली अप्लाई टू द यूनिवर्सिटीज वेबसाइट ठीक है अच्छा अब यहां पे इंपॉर्टेंट यह है कि सीट्स कितनी है यहां पर सो so, यूजी के लिए देर आर सीट्स ठीक है देर आर सिक्सटीन सीट्स फॉर यूजी नाउ

या फिर द पर्सन द कैंडिडेट फॉर एडमिशन शैल इन फर्स्ट डिग्री रिलेशन मतलब कोई भी आपका नियर रिलेटिव है तो कोई भी ऐसे जो कि बाहर रह रहे हो और वो रेडी हो आपके लिए फीस पे करने के लिए या फिर आपके यू नो एडमिशन को स्पॉन्सर करने के लिए किसी भी एन एल यू में देन वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल है ठीक है That's another thing. अच्छा इसके अलावा थर्ड कैटेगरी क्या है <coughs> यहाँ पे बोला जा रहा है कि सच कैंडिडेट मे ऑल्सो बी कंसिड फॉर एडमिशन कौन से कैंडिडेट्स इफ द कैंडिडेट हैज नो पेरेंट्स और नो रिय आपके अगर पेरेंट्स नहीं है या फिर रिलेटिव नहीं है पर आपके पास गार्जियंस है ठीक है यू हैव गार्जियंस तो ऐसे केस में भी ऐसे कैंडिडेट्स को कंसिडर किया जा सकता है प्रोवाइडेड दो चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है क्या क्या लेट्स सी फर्स्ट थिंग इज दैट जो भी आपके गार्जियन है अगर वो गार्जियन भी एनआरआई है तो उनको एक एफिडेविट देना होगा ठीक है

इस डेक्लेन में बताना पड़ेगा ठीक है तो अगर कोई गार्जियन है तो उनके लिए ये कंडीशन है दैट्स इट देन इसके अलावा अगर एक कंडीशन और है वो क्या है द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर द एनआरआई सीट अवेलेबल तो सिंपल सी बात इन चारों कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर अपलाइंग अंडर दीट्स ठीक है जो भी सोलह सीट है इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो प्रोवाइडेड इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन आपने फुलफिल करी पहली कंडीशन या तो आपके कोई भी पेरेंट एनआरआई है या फिर आप बाहर रह रहे हो इंडियन सिटीजन हो पर बाहर रह रहे हो ठीक है कहीं पर किसी फॉरन कंट्री में सेकेंड इज यू नो आपके कोई भी रिलेटिव है जो कि एनआरआई है एंड दे आर रेडी टू स्पॉन्सर योर एजुकेशन थर्ड थिंग इज अगर आपके पेरेंट्स नहीं है या फिर आपके यू नो गार्जियन अपॉइंटेड है देन इन दैट केस गार्जियन को एफिडेविट में क्लियरली लिखना होगा कि वो आपके एजुकेशन को यू you नो know, आपके एजुकेशन के में वो रेडी है आ, उनका इंटरेस्ट है वहां पर और दूसरी चीज की एफिडेविट भी हो गया और वहां उनको ये बताना पड़ेगा कि, कि आपके साथ रिलेशनशिप क्या है कैसी है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट पी और जो भी ओवरसीज सिजन ऑफ इंडिया जिनके पास भी आ, कार्ड है यू नो देस कार्ड होल्डर्स तो वो यहाँ पे ऑफकोर्स आके इंडिया में पढ़ाई भी कर सकते हैं वो यहाँ पे आके काम भी कर सकते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये अवेलेबल है ठीक है सो दिस एलिजिबिलिटी अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स फॉर्म कैसा है कहां है फीस क्या है, इस क्या है सी बात, आपको पे जाना है ठीक है लिंक ये है अभी देखने भी वाले यहाँ पे और एक एप्लीकेशन फीस होगी वन थाउजेंड सॉरी टेन थाउजेंड रुपीज की विच इज नॉन रिफंडेबल ठीक है तो इनकी वेबसाइट पे जाना है इस लिंक के थ्रू अभी देखने वाले हैं। वहां पर जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है आप उसको फिल करेंगे ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी सर्टिफिकेट्स हैं हैं जो जो भी mandatory certificates जो भी मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है आपको उनको अपलोड करना पड़ेगा और एंड में आपको की फीस वहां पे देनी पड़ेगी ठीक है चलो इसे भी अपन एक बार देख लेते हैं so, तो यहां पे बहुत ही अच्छे से उन्होंने सारी स्टेप्स देखी रखी हुई है अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन अपन एक बार देखते हैं इसको

सो सिंपल सी बात सारा अपलोड वगैरह है सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है क्लाइंट क्रिडेंशियल एंड एवरीथिंग ठीक है टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट आपको फीस पे करनी है नॉन सक्सेसफुल पेमेंट अ कंफर्मेशन ईमेल विल बी डिलीवर टू द गिवन ईमेल आईडी ठीक है ओके चलो आगे देखते हैं अच्छा एक चीज और उन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिख के रखी हुई अगर आप यू you नो know, कुछ भी गड़बड़ करते हैं फॉर्म में आ, किसी भी चीज में तो वो पैसे तो एनीवेज वेज नॉट डिफेंडेबल है सो बी केयरफुल इफ यू आर फिलिंग द फॉर्म

सो दिस विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ क्लैट रैंकिंग क्लैट में आपके जितने भी मार्क्स आए जितने भी रैंक आए उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा ठीक है आउट ऑफ देशन रिसीडरी जो भी ड्यू डेट है इनकी थर्टीथ एप्रिल जब तक आपको फॉर्म फिल करना है तब तक ही आप यू uh, नो you know, कर सकते हैं यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा अदरवाइज नहीं किया जाएगा देन जनरल इंस्ट्रक्शन में कुछ खास नहीं है सिंपल सी बात यही है आपको जो भी आपने एग्जाम क्वालिफाई कराया उसका एविडेंस दिखाना पड़ेगा ठीक है फॉर तो आपको मार्कशीट दिखानी पड़ेगी उस टाइप की चीज यहाँ पे बताई गई है राइट से क्या क्या सो इफ यू आर एन तो आप कैसे uh, करने वाले आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत है उस बारे में यहाँ पे बताया गया है उसके अलावा अप्लाइंग अंडर पीजी सो पीजी से वे नॉट कंसर्न अभी यूजी के लिए अभी अपन देख लेते हैं ठीक है तो ये कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा जनरल इंस्ट्रक्शन चाहिए तो मतलब कोई भी आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको ये कुछ एविडेंस के तौर पर दिखाना ही पड़ता है ठीक है ओके ऑल्सो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको मैंडेटरली अपलोड करने ही पड़ेंगे यू कैन सी हियर सी डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ अपलाइंग अगेंस्ट द सेड कैटेगरी ठीक है सो इफ यूर अपलाइंग एट दिस कैटेगरी आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी है डो नॉट वरी अबाउट सी एडमिट कार्ड अपने पास होता ही है क्लाइट का रिजल्ट या स्कोर कार्ड का स्क्रीन स्क्रीनशॉट ऑल्सो वी हैव इन चिंता मत करो जैसे इन पे क्लिक फाइंड सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल आई विल शो यू वन इस टाइप का सर्टिफिकेट आ जाएगा तो जो लिंक है, वहीं से तो आपको फिल करना है और उसी के साथ अपलोड करना है दैट इज अनदर थिंग ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है एंड दैट इज इट इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी होती है तो यू कैन विजिट देयर वेबसाइट uh, ठीक है इस ई मेल पर यू कैन राइट योर क्वेरी जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे देख सकते हो ठीक है सो इन केस यू आर अंडर एनी ऑफ द यू नो इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस अगर किसी भी कंडीशन को फुलफिल कर पा रहे हो तो इट्स इट्स अ अ गुड गुड अपॉर्चुनिटी यू कैन अप्लाई फॉर दिस ठीक है डू नॉट वरी अबाउट दिस नोटिफिकेशन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड दिस नोटिफिकेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो एक बार डिटेल में फिर से पढ़ सकते हो देख सकते हो इनकेस यूर फिलिंग फॉर्म ध्यान से भरना ठीक है सो दिस इज इट फ्रॉम माई एंड थैंक यू सो मच